हाँ जी, क्या नाम है आपका? पवन, पवन जी कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश कानपुर से। क्या परेशानी हुई है? आरपी की दिक्कत है। किसने बोला आपको आरपी है? डॉक्टर सुकांत पांडे कानपुर से। तो चलिए बेहतर है, देखें आज आपकी क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है आपको। एक आंख बंद कर। हाँ पवन जी, पड़ी है, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख नहीं रहा, केवल नहीं दिख रहा, पैचेस मेरी दिख उंगली बता सकते हो कितनी है? आप रहे। दो, तीन, नहीं समझ में नहीं आ रहा। चलिए दूसरी आंख से देखिए। दो, आप एक्चुअली इसकी रोशनी आ रही मेरे को। दो, एक, दो, दो, वहाँ कांच में दिख रहा है कुछ? हाँ जी, एल एफ यू एफ ओ वी FO बी V के V डी 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 पर बॉल, और ये JEMT। सब गलत बता रहे हो आप। उसके नीचे यू यू EH टी फिर FA OT के बीच में OS OT, उसके नीचे नहीं दिख रहा उसके नीचे का धुंधला है ना, और टी के बीच का अक्षर भी और नहीं दिख रहा है। ठीक है, जी। तो पवन जी आज आपकी स्थिति यह है कि आपको 5 लाइनें दिखाई पड़ रही हैं राइट आंख से, लेकिन जी लेफ्ट 5 लाइन के 4 अक्षर और लेफ्ट आंख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, इवन आप उंगलियां भी नहीं गिन पा रहे हैं। ठीक, जी दिख रहा है कुछ? नहीं जी नहीं दिख रहा, पढ़ नहीं सकते है ना। दूसरी आंख से देखो। दिख रहा है कुछ? 8529 3 8754 63 8524 20 36 356 और लास्ट में 3748 2 85 सबसे लास्ट की नजर नहीं है। ऊपर का तो नहीं आ रहा है। दुखों दुखी नहीं रहेंगे कोई वस्तु, कोई वस्तु प्राप्त करनी हो तो उसके योग्य बनना चाहिए। कोई भी किसी से घृणा मत करो। उसके ऊपर बारीक अक्षर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ? इसमें आ रहा है J4A पुअर पुअर कंट्रीमैन हुमैन वाज प्री वेट lived with this wife is very quit away। तो पवन जी आपकी आज स्थिति यह है कि आपको मोटे मोटे अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं सिर्फ राइट आंख से, है ना, बारीक अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। जी ठीक, आपकी एक आंख में बिल्कुल रोशनी नहीं है, नहीं के बराबर है,
तो आपको बाइफोकल विज़न नहीं है। एक ये भी कारण होता है कि आप चलते फिरते में, गड्ढे पहचानने में, स्पीड ब्रेकर पहचानने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानियाँ होती हैं। जी ठीक, ये इसका ये भी कारण है। आरपी के साथ साथ ये भी है कि ये मोनोपिया है, आपको एक आंख से आप देख पा रहे हैं, दूसरी आंख से नहीं देख पा रहे हैं, आपको बाइनोकुलर विज़न नहीं है। ठीक, हाँ पवन जी पढ़िए, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? वन टू बढ़ाते जाओ। 6 3 सिक्स, दो अक्षर हैं, एक है उसमें। जी आपने रोशनी ले ली। ये क्या है? 3 5 इसके पास, इसके बाद 8 S। मोहन जी आज आपकी स्थिति यह है कि आपको डे नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ डे ब्लाइंडनेस शुरू हुई, डे ब्लाइंडनेस के साथ साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस भी हो गया है, आप कलर पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक, मात्र 5 प्लेटें आज आपने देखी है कलर ब्लाइंडनेस की। जी हम प्रयास करेंगे कि विश्व की एक असाध्य बीमारी जो आपको आई है कलर ब्लाइंडनेस, जी वो भी ठीक हो और आप नॉर्मली कलर देख पाएं। जी जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है ना, जी राइट आंख का। लेफ्ट आंख से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, जी राइट आंख से जो दिखा जी उसमें आप देख रहे हो अपर साइड में 1.5, लोअर जी साइड 3.5, जी मेरे राइट हैंड पे 2.1 और लेफ्ट हैंड पे 1.6 इंच मात्र आपकी रोशनी बची है। जी ये पेरिफेरल विजन सुकड़ता जा रहा है, इसके कारण ही आपको जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, चलने फिरने में, ड्राइव करने में, जी सीढ़ियां उतरने में, ये सारी परेशानी इसी से आ रही है कि आपका पेरिफेरल विजन काफ़ी सुकड़ गया है। जी मात्र एवरेज निकाले तो 2 इंच का बचा है जो कि 20 इंच होता है, जी वो भी सिर्फ राइट आंख में। लेफ्ट आंख में आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब जी बाइनोकुलर विजन आपका खत्म हो गया है, इसके कारण भी ये दिक्कतें आती जी हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी हर परेशानी दूर हो और आप जीवन फिर रचनात्मक रूप से शुरू कर पाए। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं, असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। बहुत सारी बधाई हो आपको कि आज आपको उस आंख से दिखना शुरू हो गया है जिस आंख से आप सिर्फ लाइट बताया करते थे, आज आपने मैथ्स की तीसरी लाइन का एक अक्षर आपने बताया, तो बहुत सारी बधाई हो। देखें शायद कैपिटल ABCD भी में कुछ दिखे। एक्स बहुत बढ़िया। ओ और इसके नीचे एच समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, एच है और से उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्लियरली। ठीक है 26, 96, ये 16, इसको इसको देखो ठीक से, ये ट्वेंटी थ्री 2 है, नहीं 73। गुड, क्या है ये 42। वेरी गुड पवन जी, बहुत सारी बधाई हो। जीवन की एक और असाध्य बीमारी आपकी आंखों से खत्म हुई। आप मात्र 5 प्लेट कलर ब्लाइंडनेस की पढ़ पाते थे, आज आप जी पूरी 22 प्लेटें पढ़ रहे हैं। जी ठीक, बहुत सारी बधाई हो कि जीवन से एक और असाध्य बीमारी आपके खत्म हुई है और जीवन में आप रंग पहचानने में आप सक्षम हो गए हैं। ठीक पवन जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है जी और आप देख रहे हैं कि एक ड्रामेटिक रिलीफ आया है आपकी जिंदगी में, आपके जी पेरिफेरल विजन में।
जो पेरिफेरल विजन मात्र 1.5 इंच का था जी। आज वो बढ़ के 2.5 इंच का हो गया सेंटर में, मगर उसके साथ में जो पेरिफेरल विजन आपको सेंटर के बाद आया है, एक बड़ा स्कोटोमा कहते हैं इसको, बीच में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है और उसके बाद फिर आपको दिखाई देना शुरू हुआ है, तो अपर साइड में 5.4 इंच आपको दिखना शुरू हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 11.5, मतलब आप ये जोड़े तो 13.6 इंच आपको दिखाई पड़ रहा है 20 में से ठीक, और राइट हैंड साइड पे आपको 13.5 इंच दिखाई पड़ रहा है, जो आपको मात्र 1.5 इंच था पहले जी। तो 13 इंच पे आप पहुंच गए हैं। वैसे ही आपको लोअर साइड पे थोड़ा फायदा हुआ है और लोअर साइड की आपका विजन जो हुआ 1.5 इंच से करीब 7 इंच के आसपास पहुंच गया है जी। बहुत बहुत मुबारक हो कि जिंदगी में आपका पेरिफेरल विजन आना शुरू हुआ और इतना बड़ा कि आप सोच नहीं सकते थे जी। एक स्लाइट एक बड़ा सा स्कोटोमा बाकी है बीच में, बाकी पूरी नजर आपको आ गई है राइट आंख में, देखे लेफ्ट आंख में क्या हुआ है। पवन जी बहुत सारी बधाई हो, क्योंकि जिस आंख में आपको सिर्फ लाइट दिखा करती थी आज उसमें पेरिफेरल विजन भी आ गया है उस लेफ्ट आंख में, जिससे आप उंगलियां भी नहीं गिन पाते थे, आज आप महसूस कर रहे हैं कि आपको करीब करीब 1.5 इंच का सर्कल में आपको पेरिफेरल विजन आ गया है। मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है, उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है।